दिसंबर 2019 को सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टार फिल्म दबंग 3 रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर, टीजर और ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आए। फिल्म में सलमान खान इस बार महेश मंजेरकर की बेटी साई मंजेरकर के साथ भी रोमांस फरमाते नजर आएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब सलमान खान किसी की मदद करने के लिए आगे आए हों। सलमान कई लोगों की इंडस्ट्री में एंट्री करवा चुके हैं, इसके साथ ही कई फिल्मों में तो उन्होंने खुद कैमियो भी किया है। ऐसे में आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए सलमान खान के कुछ खास कैमियो के जरिए बनाई गई फिल्म को लेकर के जानकारी देने वाले हैं। बता दें, सबसे पहली फिल्म है सांवरिया। साल 2007 में रणवीर कपूर और सोनम कपूर ने इस फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में सोनम और रणवीर को तो दर्शकों ने काफी पसंद किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म में सलमान ने कैमियो करते हुए इमाम का किरदार निभाया, जिसको सोनम कपूर प्यार करती थी। इसके साथ ही बात करें तो अगली फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी। साल 2009 में एक बार फिर रणबीर कपूर की फिल्म में सलमान खान ने कैमियो किया था। इस फिल्म में रणबीर के साथ कैटरीना कैफ थी। फिल्म में सलमान बतौर एक्टर ही नजर आए, जो रणबीर की मदद करते हैं। कैटरीना को इम्प्रेस करने के लिए इस कॉमेडी सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां भी बजाई। खैर, आपको बता दें, यहां पर सलमान खान के सामने ही, जी हां, रणबीर कपूर कैटरीना कैफ के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे थे। अब इसे भाई दोस्ती कह ले या प्यार, के इस सीन के लिए सलमान खान ने हामी भर दी। वहीं आगे बात करिए तो अगली फिल्म का नाम है 30 मार खान। साल 2010 में अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म 30 मार खान रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, फिल्म के गाने हिट साबित हुए। ऐसे ही फिल्म के एक हिट गाने वल्लाह में अक्षय कुमार और कैटरीना के साथ सलमान खान भी थिरकते नजर आए थे। आगे बढ़े तो अगला नाम है ओम शांति ओम। शाहरुख खान स्टार फिल्म ओम शांति ओम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्म में हमेशा की तरह ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आए, और ना सिर्फ फिल्म में बल्कि गाने भी सुपर डुपर हिट रहे। बता दें, फिल्म के टाइटल ट्रैक में सलमान खान भी नजर आए थे। फिल्म में अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।